उत्तराखंड उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि विधायक समर्थक लोगों ने एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों और दुकानों पर भी पथराव किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं। लोगों ने मंगलौर पुलिस से कार्यवाही की मांग को लेकर रात भर हंगामा किया। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव परिणाम आने के साथ ही शरारती तत्वों का तांडव शुरू हो गया है। नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की जश्न की खुशी में उनके हजारों समर्थक कस्बे में रैली के शक्ल में जमा हो गए। इस दौरान इन लोगों ने जमकर बवाल काटा, साथ ही बीजेपी समर्थकों के घरों और दुकानों को निशाना बनाकर उसमें तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की। वहीं एक अन्य वीडियो भी इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है, इसमें युवक जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद सभी लोगों ने मंगलौर पुलिस चौकी पर हंगामा किया और शरारती तत्वों पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि सभी हुड़दंग करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।